तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्काउंट को कवर करेंगे, इसमें सारे आपके प्रॉफिट लॉस के जितने टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे टाइप्स कराएंगे विद एग्जाम्पल, और साथ में कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ पर लगेंगे उस शॉर्ट ट्रिक्स को भी लगाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक कौन समझते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या। सबसे पहला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक, इसमें एक चीज होता है सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिसपे वस्तु को खरीदा जाता है, जिसपे वस्तु के यहां पर क्या बोले अपने को खरीदा जाता है। दूसरा यहां होता है एसपी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, जिसमें सामान को बेचा जाता है, जिसमें सामान के यहाँ पर क्या बोला अपने को बेचा जाता है। तो ये जो सीपीए कॉस्ट प्राइस को बोलेंगे क्रय मूल्य, जिसमें सामान को खरीदा जाता है, या आप ये बोल सकते हैं लागत मूल्य बोल सकते हैं, और यहाँ पर एसपी जब क्या होगा, जब उस वस्तु को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेचेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन अगर मान लो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, एसपी सीपी से बड़ा है, मान लीजिए आपने 120 का खरीदा और 150 का बेचा, आपने खरीदा 120 में है और बेचा 150 में, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, नफा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, हमको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। याद रखना हमेशा जब भी बोलेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। इसी का जस्ट दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन हमको यहाँ पर क्या बोलेगा, अब अगर मान लेते हैं सीपी ग्रेटर देन एसपी, अब कंडीशन ये है कि आपने 150 का खरीदा है और 120 का बेचा है, आपने खरीदा 150 का है और 120 का बेचा है, इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, आपको लॉस होगा, क्योंकि आप खरीद ज़्यादा पैसे कर रहे हैं और बेच कम पैसे कर रहे हैं, तो इस एंगल में यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, मतलब क्या होगा, हानि होगा। और लॉस परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। ये दो तरीका होता है, क्लियर हो गया। ये सबसे पहला बेसिक वाला, यहाँ पर एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका। सीपी ग्रेटर देन यहाँ पर क्या होगा, एसपी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, लॉस परसेंट निकालने का तरीका यहाँ पर बता दिया। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, पहला सीपी 80 एसपी 100, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का होगा, एसपी माइनस सीपी, याद रखना प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 100 माइनस 80 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा। क्लियर हो गया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 20 होगा। अब जब बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर क्या बोला था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बोला था, प्रॉफिट यहाँ पर क्या बोला, 20 अपॉन 80 इंटू 100 एक बार में और ये चार बार में, और ये कितना हो जाएगा, 25% हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज सेकंड कंडीशन मान लेते हैं, लॉस के लिए आपने खरीदा 120 में है, खरीदा 120 में है और मान लेते आपने उसको बेचा है, आपने उसको बेचा है 100 रुपये का, बेचा कितने का है, 100, तो ऑब्वियसली आप खरीद 120 रहे हैं और बेच 120 में रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना हुआ, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब 120 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमको लॉस परसेंट बोलेगा तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू 100 एक बार में, 6 बार में, 100/6 मतलब 50/3 बराबर 16.66 या 16 2/3। क्लियर हो गया। ये सबसे पहले जब आपको बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, या जब क्या बोलेगा आपको, लॉस परसेंट निकालना है, ध्यान से एक बार देख लो।
पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, ये इसका सबसे पहला टाइप, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देगा, एसपी और सीपी देगा, और यहाँ पर प्रॉफिट निकालने बोलेगा या फिर लॉस निकालने बोलेगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने बोलेगा। ठीक है, अभी इसी के टाइप टू में सीपी और प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको अब यहाँ पर क्या देगा, आपको सीपी दिया रहेगा, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया है, पी मतलब प्रॉफिट परसेंट भी आपको यहां पर दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट पी परसेंट भी आपको यहां पर दिया हुआ है। याद रखना, प्रॉफिट बोलेगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, लॉस होगा तो यहां पर क्या होगा, माइनस में होगा, उस चीज को याद रखना। प्रॉफिट में क्या होगा, प्लस होगा, लॉस में क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां पर निकालने बोलेगा एसपी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्लियर हुआ। अब अगला कंडीशन, हमको सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, लॉस मतलब लॉस परसेंट भी हमको दिया हुआ है, हमको निकालने बोला है एसपी, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये दो फॉर्मूला है ना, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आगे जाके जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत से बच्चों के यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो 100 प्लस माइनस जो होता है उसको ऊपर रखे कि नीचे रखे। तो याद रखना, जब सीपी दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की जो भी कलाकारियां होंगी वो सारी कलाकारियां ऊपर में होंगी। अगर विक्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, सीपी निकालना होगा, तब कलाकारियां कहां पर होंगी, नीचे पे होंगी। ये दो चीज याद रखना। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने एक वस्तु को 200 में खरीदा, उसमें आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। आपने 200 का खरीदा, आपको प्रॉफिट करना है, 20% का प्रॉफिट करना है, और यहां पर आपको क्या बोला, आपको विक्रय मूल्य आपको निकालना है, कितने में बेचेंगे। तो 200 गुणित यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे 100, क्योंकि प्रॉफिट जगत यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, याद रखना। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 120 बटे 100, ये हो जाएगा 240। ये हमारा पहला कंडीशन, जब यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट भी देगा और साथ में सीपी भी देगा। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके सेकंड कंडीशन पे, लॉस परसेंट पे। अब मान लेते हैं मेरा जो सीपी है, सीपी मैंने 150 का खरीदा और मैंने इस पे नुकसान उठाया, 30% का मैंने नुकसान उठाया, लॉस कमाया कितना, 30% का लॉस हुआ। तो यहां पर क्या होगा, हमको एसपी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 गुणित 100 माइनस 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 150 गुणित 70 बटे 100, ये हो जाएगा 105। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ कंडीशन। ये हमारा क्या होगा, इसका टाइप टू क्या होगा, जब हमको क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, टाइप टू हुआ। अब जो टाइप थ्री का जो कंडीशन होगा, अब यहां पर क्या था, अपने को जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलो वापस शुरू से लिख देता हूं। अब इसमें यहां पर क्या होगा, अब जो कंडीशन है, इससे पहले हमको सीपी दिया था, टाइप थ्री कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, अब हमको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, निकालना है क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पहले ही बता चुका हूं आपको, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो 100 के साथ जो प्लस माइनस होगा वो ऊपर में कलाकारियां होंगी,
और अगर क्या होगा, एसपी दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो कलाकारियां सारी की सारी कहां पे होंगी, नीचे होंगी, याद रखना। अब अगेन हमको एसपी दिया हुआ है और साथ में हमको यहां पर क्या दिया, लॉस परसेंट भी हमको दिया हुआ है। अब हमको निकालना है सीपी। इससे पहले कंडीशन यहां पर क्या था, प्रॉफिट परसेंट था, अब कंडीशन यहां पर क्या है, लॉस परसेंट है। तो ये जो होगा ये यहां पर क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपको बोला है एक वस्तु को 360 में बेचने पर, मुझे 50% का लाभ होता है। एक वस्तु को 360 में बेचने पर 50% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो जब एसपी दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, तो कौन सा लगेगा अपने को, ये वाला लगेगा। तो यहां पर जो सीपी होगा वो होगा, जो सीपी हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3600 गुणित 100 बटे 100 प्लस 50। तो ये हो जाएगा 360 गुणित 100 बटे 150, 50 दो बार में, 50 तीन बार में, 120 गुणित 2, 240। ये हमारा आंसर, क्लियर हो गया। अभी एक सेम, अब लॉस वाले कंडीशन पे, अब हमको मान लेते हैं एसपी दिया है 150 रुपये, लॉस परसेंट दिया है 25%, और निकालना हमको सीपी। तो ये हो जाएगा 150 गुणित 100 बटे 100 माइनस 25, 150 गुणित 100 बटे 75, एक बार में, दो बार में, ये कितना हो जाएगा, 200। यहाँ पर क्या था अपने को, लॉस परसेंट था, हानि परसेंट था, इसलिए यहाँ पर क्या किया, माइनस किया। और यहाँ पर क्या था अपने को, प्रॉफिट परसेंट, इसलिए यहाँ पर क्या किया, प्लस किया। जो इससे पहले कंडीशन क्वेश्चन में था वहाँ पर क्या था अपने को, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य निकालना था। इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया, साथ में क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्लियर हो गया। ये था हमारा कौन सा, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 टाइप 4 आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं लाइन्स आपके इसके जितने टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसे प्रॉफिट लॉस का आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक साथ दो कंडीशन अप्लाई होगा। जैसा बोला है क्वेश्चन, एक वस्तु को अगर मैं 150 में बेच रहा हूँ, मतलब बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर ₹150, 25% का प्रॉफिट होता है। 25% यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहला कंडीशन, उसे कितने में बेचूं कि प्रॉफिट 20% हो, ठीक है भाई, या उसे कितने में बेचूं कि लॉस 25% हो। अब यहां पे दो कंडीशन है, ये हमारा पहला कंडीशन, गिवन कंडीशन है। उस कंडीशन से क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर उसकी जगह कोई दूसरा प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा, तब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको ये निकालने बोला है। ठीक है, जैसे बोला है 150 में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से एसपी 150, प्रॉफिट परसेंट 25, तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 150 गुणित 100 बटे 100 प्लस 25, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125, 25 चार 25 पाँच, 25 एक, 25 30, सीपी कितना हो जाएगा, 30 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 120। मतलब जब उसको 150 में बेच रहा हूँ तो मेरे को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जो खरीदा गया मूल्य था, वो कितना था अपने को, 120 रुपये। अब पहला कंडीशन,
उसे कितने में बेचूं कि 25% का प्रॉफिट हो, कितने में बेचूं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी कितने में बेचूं कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी कितना है 120 गुणित प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हुआ 120 बटे 100, ये हो जाएगा 144। क्लियर हो गया। सेकेंड कंडीशन बोल रहा, अगर उसको मान लेते हैं लॉस होता है 25% का, तो वो कितना हो जाएगा 120 गुणित 75 बटे 100, 25 तीन बार में, 25 चार बार में, एक बार में और ये 30 बार में, 30 दिया कितना हो जाएगा 90, ये हमारा आंसर होगा। समझना कंडीशन किस तरीके से हुआ। ठीक, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैं 125 लिखा हूँ, क्योंकि अब आप लोग समझ ही चुके हैं कि 100 प्लस 25 क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है, और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर 120 लिखा था क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, और यहाँ पर 100 में से 25 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, क्योंकि वहाँ पर लॉस परसेंट है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा अगला टाइप होगा। अब अगर बोला है यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, या दिया हो, ये दिया हुआ है, या बोल रहा है एक आदमी एक्स रुपए में ए वस्तु खरीद रहा है, एक्स रुपीज में ए आर्टिकल्स, ए वस्तु यहां पर क्या कर रहा है, बाई मतलब खरीद रहा है, और एक्स रुपए में ही यहाँ पर क्या कर रहा है, बी वस्तु, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, बी वस्तु को यहाँ पर बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा बाई वाला मतलब जो सीपी है और जो एसपी है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जो क्रय मूल्य वाला जो होगा भाग वो विक्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य वाला भाग है वो क्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, और इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, और इट हैज गिवन एक्स रुपए में ए वस्तु खरीदा और एक्स रुपए में ही ए वस्तु यहाँ पर बेचा, अ पर्सन बॉट ए आर्टिकल्स एट द प्राइस फॉर एक्स रुपीज एंड सेल बी आर्टिकल्स फॉर एक्स रुपीज, सेम यहाँ पर रुपीज होगा, यहाँ पे जो मनी होगा बराबर होगा, आर्टिकल्स यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, सीपी और एसपी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। कैसा, इसका क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
इस पे ये नहीं बोलेगा कि आपको प्रॉफिट ही परसेंट निकालना है या बोलेगा लॉस पर निकालना, पहले से नहीं बताएगा। चार ऑप्शन देगा, चार में यहाँ पर क्या देगा, दो जगह आपको प्रॉफिट का देगा, दो जगह लॉस का कंडीशन देगा। पहले यहाँ पर समझते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य, दस वस्तुओं का सी पी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ऐसे ही है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये इधर पे आ जाएगा तो सीपी बटे एसपी बराबर, ये कहाँ पे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, 12 बटे 10। तो सीपी कितना हुआ 12, एसपी कितना हुआ 10। सीपी हुआ 12 और एसपी हुआ 10, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 12 माइनस 10 बराबर 2 लॉस हुआ। लॉस परसेंट बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे 12 गुणित 100, एक बार में 6 बार में 100 बट्टे 6 बराबर 16.66%। समझ में मैंने किस तरीके से बनाया। अब डायरेक्टली 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, यहां पर क्या बोला अपने को, बी आर्टिकल्स। तो अब कंडीशन डायरेक्टली यहां पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य बन जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 10, 12 विक्रय मूल्य, 12 के यहाँ पर बी आर्टिकल्स के यहाँ पर क्या दिया अपने को, अच्छा सॉरी, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में क्या दिया था, 10 दिया था, सेलिंग प्राइस में यहाँ पर कितना दिया, 12 दिया था। जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा 10 और कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको आपको देख के समझ जाएंगे किस तरीके से होगा। एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करेंगे। सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा, अपन लोग सीपी परसेंट मतलब लॉस परसेंट निकालेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद वस्तु रुपए, मतलब हमेशा पहले क्या होगा आर्टिकल्स आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा रुपीज आएगा, याद रखना। ए रुपए में बी वस्तु खरीदा, ए रुपए में बी वस्तु खरीदा, ए आर्टिकल्स फॉर बी रुपीज बॉट, अ मैन बॉट ए आर्टिकल्स एट द रेट फॉर बी रुपीज, एक व्यक्ति बी रुपए में ए वस्तु खरीदे, यहां पर बी रुपए में ए आर्टिकल्स बी रुपीज में, और जब उसे बेचा तो बी वस्तु ए रुपए में, और जब उसको वहां पर क्या किया सेल किया तो बी और ए, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई होगा ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा, ये हमारा सेकंड कंडीशन होगा। यहां पर क्या होगा माइनस, तो फर्स्ट कंडीशन माइनस सेकंड कंडीशन अपॉन सेकंड कंडीशन इनटू 100, याद रखना। हमेशा आपको रुपए पहले दे या वस्तु पहले दे, या वस्तु पहले दे रुपए पहले दे, हमेशा यहाँ पर क्या होगा वस्तु को ही पहले लिखा जाएगा, याद रखना। हमेशा आर्टिकल्स जो रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, उसको याद रखना। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कंडीशन होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा सेकेंड कंडीशन होगा। अब हमारा आंसर प्लस में होता है तो हमको क्या होगा प्रॉफिट परसेंट होगा,
अगर हमको क्या होगा माइनस में होगा तो यहाँ पर क्या होगा लॉस परसेंट होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बोला है एक आदमी 10 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, 10 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, 12 वस्तु 10 रुपए में बेचा। समझना, 10 वस्तु 12 रुपए मतलब 10 वस्तु 12 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 10 वस्तु लेने के लिए 12 रुपए खर्चा कर रहे हैं। जब वो बेचने जा रहे हैं तो 12 वस्तु 10 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है? तो ये देख के समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी सपोज उसके बाद भी समझ में नहीं आया कि प्रॉफिट लॉस क्या होगा समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। ये क्या होगा फर्स्ट कंडीशन, ये क्या होगा सेकेंड कंडीशन। क्लियर हुआ? ये क्या हुआ फर्स्ट कंडीशन और ये क्या हुआ यहां पर सेकेंड कंडीशन। तो ये हो जाएगा 10 × 10 माइनस 12 × 12 अपॉन 12 × 12 × 100। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 144 बटे 144 गुणित 100, तो 44 बटे 144 गुणित 100, 4 11 बार में, 4 36 बार में, 4 9 बार में, 4 25 बार में, तो 275 बटे 9 बराबर 30.55%। अब यहां एक चीज याद रखना, जब यहां पर 100 में से 144 गया तो ये जो बचा है किसमें आ रहा है माइनस पे आ रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा और हमको यहां पर क्या होगा लॉस होगा। अगर सपोज यही 144 माइनस 100 रहता तो हमारा आंसर किस में होता प्लस में होता, एट दैट कंडीशन व्हाट वी हैड गॉट वी वुड हैव गॉट प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ? ये हमारा क्या होगा यहां पर क्या होगा लॉस परसेंट होगा। अब ये जो क्वेश्चन था इस पे यहां पर क्या था समान वस्तु समान रुपए, मतलब ए वस्तु बी रुपए, बी वस्तु ए रुपए, मतलब 10 आर्टिकल 12 रुपए, 12 आर्टिकल और यहां पर क्या हो गया 10 रुपए, ठीक है? एक बार ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब वैल्यू चेंज कर देते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या होगा वो ऐसी के वैसी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा चेंज क्या होगा, अब जो चेंज होगा वो होगा ए वस्तु बी रुपए, सी वस्तु डी रुपए। अभी अलग अलग मैं क्या कर रहा हूं 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदा, ठीक है भाई, और 15 वस्तु 20 रुपए में बेचा, या 20 रुपए में 15 वस्तु बेचा, इस तरीके से हमको देगा, ठीक? कंफ्यूज मत होना, सेम वही रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा पहला कंडीशन, मतलब ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी या बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी इंटू 100। अगेन सेम कंडीशन, प्लस आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा अपने को, अगर सपोज क्या होगा अपने को प्लस आएगा तो यहां पर क्या होगा प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर सपोज यहां पर क्या होगा अपने को वो आएगा किसमें आएगा माइनस में आएगा तो यहां पर क्या होगा अपने को लॉस परसेंट होगा। अब यहां पर सेम वस्तु लिखने का तरीका, यहां पर क्या होगा वस्तु और रुपए, पहले ही बताया आपको, चाहे वस्तु पहले दे रुपए बाद में दे या रुपए पहले दे वस्तु बाद में दे, लिखेंगे हमेशा अपन लोग क्या करेंगे वस्तु को पहले लिखेंगे, उसको याद रखना। 12 वस्तु 10 रुपए, 15 वस्तु 20 रुपए। क्लियर हुआ? 15 वस्तु और 20 रुपए। पहला कंडीशन 12 × 20 माइनस 10 × 15 बटे 10 × 15, और ये सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 240 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100 माइनस करेंगे तो 90 अपॉन 150 इंटू 100, 5 × 5 = 20 बार में 20 × 3 कितना हो जाएगा
60%, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब जो आंसर आया कि इसमें अपने को प्लस पे आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर हुआ, अभी अगला टाइप मान लेते हैं, एक वस्तु को पहले मैं 5% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था, पहले मैं एक वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था। अगर मैं उसको 20 रुपए ज्यादा में बेचता हूं, अगर मैं उसको 20 रुपए ज्यादा में बेचता हूं, पहले एक वस्तु था मेरे पास, वो क्रय मूल्य चाहे कुछ भी था हमको मालूम नहीं है, पहले उसको मैं 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था। अब अगर सपोज उसको मैं 20 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई पहले मैं उसको 5% प्रॉफिट बेच रहा था, अब अगर सपोज मैं उसको 20 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं अब मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 7%। क्लियर हुआ, पहले मैं उसको 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अगर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 20 रुपए ज्यादा में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, 7% हो गया। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन इसका, एक वस्तु को पहले मैं 10% लॉस पर बेच रहा था, ठीक है, एक वस्तु लिया उसको मैं 10% लॉस पर बेच रहा था। अब अगर सपोज मान लो उसको मैं 50 रुपए कम में बेचता हूं, मैं ऑलरेडी 10% का लॉस खा रहा था, मतलब मैं पहले ही नुकसान में था, अब जो मैं नुकसान था, अब अगर मैं उस वस्तु का रेट और कम कर दूंगा, वस्तु का रेट क्या कर दूंगा, और कम कर दूंगा, तो मेरा नुकसान बढ़ जाएगा। पहले मेरा मान लेते कितना परसेंट था, 5% था, 10% था, अभी मेरा नुकसान हो गया, 50% लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था, दोनों बार यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस वाला कंडीशन था, और हमको बोलेगा क्रय मूल्य निकालना है। समझना, दोनों कंडीशन किस किस का है, प्रॉफिट प्रॉफिट का है, और यहाँ पर कंडीशन दोनों किसका, अपने को लॉस और लॉस का। तो जब भी यहाँ पर इस कंडीशन पे सीपी निकालने बोलेगा तो आपको जो भी रुपीज देगा इंटू 100 अपॉन परसेंट का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, कब कंडीशन, जब दोनों बार यहां पर क्या देगा, प्रॉफिट प्रॉफिट देगा, या दोनों बार यहां पर क्या देगा, अपने को लॉस और लॉस देगा। ठीक है, अब पहला, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तो पहले में क्या हो जाएगा, 20 × 100 / 7 − 5, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2, एक बार में 10 बार में, तो कितना हो जाएगा, 1000। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कितना बोला अपने को, 50 × 100, 15 और 10 का अंतर, तो कितना हो जाएगा, 5, एक बार में 10 बार में, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1000। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, अब अगला कंडीशन, एक वस्तु को मैं पहले 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, एक वस्तु को पहले 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अगर 20 रुपए कम हुआ, 20 रुपए कम में बेचा, तो ऑब्वियसली मैं कम में बेचूंगा तो या तो कंडीशन क्या होगा, या तो मैं जो पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, मेरा यहाँ पर क्या होगा, या तो प्रॉफिट कम होगा, या मैं कहाँ चले जाऊँगा, लॉस में चले जाऊँगा।
तो पहले मेरे को 5% प्रॉफिट हो रहा था, मैं 20 रुपये कम में बेचा तो मेरे को यहाँ पर हो रहा है 3% का हानि हो रहा है, 3% यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले 5% प्रॉफिट कमा रहा था एक वस्तु क्रय मूल्य चाहे जो भी हो, पहले मैं उसको 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अब अगर उसको 20 रुपये कम में बेचता हूँ तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, मेरे को 3% यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, या इसी का बोल लेते हैं, पहले मेरे को 5% का लॉस हो रहा था, अब अगर सपोज मैं इसको 30 रुपये ज़्यादा में बेचता हूँ तो मेरे को 10% प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली पहले मैं उसको 5% लॉस पर बेच रहा था, तो अब अगर सपोज मैं जिस रेट पर बेच रहा था अगर मैं उससे ज़्यादा बेचूँगा तो दो कंडीशन होगा, या तो मेरा लॉस कम होगा या तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट पे आ जाऊँगा। तो ये तो पहले बता चुका आपको, प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, लॉस रहेगा तो भी क्या करेंगे, माइनस। अब अगर प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट, तब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा रुपीस इंटू 100 अपॉन परसेंटेज का योग, मतलब सम ऑफ परसेंटेज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा, 20 × 100/5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 2000/8 ये कितना हो जाएगा, 250। क्लियर हुआ। सेकेंड कंडीशन 5 और 10, तो नीचे 5 + 10 ऊपर 30 × 100 ये हो जाएगा 15, एक बार में दो बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 200, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ, ये था हमारे। ठीक है, अब इसी का अगला टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका पहला क्वेश्चन कैसे होता है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। ठीक, पहले को X% प्रॉफिट और दूसरे को X% लॉस पर बेचा, तो टोटल में कंडीशन पे क्या होगा, टोटल में यहाँ पर क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब ना लाभ ना हानि। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को X% प्रॉफिट पर बेचा और एक को X% लॉस पर बेचा, तो उसके पूरे लेन देन में यहाँ पर क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, कब, जब यहाँ पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा। ये इसका पहला कंडीशन। इसी का दूसरा कंडीशन, अब अगर सपोज बोला है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, पहले में X% का प्रॉफिट, दूसरे में X% का लॉस, तो इसमें टोटल क्या होगा, टोटल मतलब पूरे लेन देन में यहाँ पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा, एक में एक्स का प्रॉफिट एक में एक्स का लॉस, तो पूरे लेन देन में यहाँ पर क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा, पहले में यहाँ पर X% का प्रॉफिट होगा, दूसरे में X% का लॉस होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, और जो लॉस परसेंट होगा वो होगा X²/100। याद रखना, मान लेते आपको दिया हुआ है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले में 20% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड में 20% का लॉस हुआ,
तो टोटल लेन देन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग बट्टे 100 बराबर 40 बट्टे 100 सॉरी 400 बट्टे 100 कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब जब अलग अलग रेट देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके हिसाब से निकालेंगे, उसको भी कर लेते हैं भाई, अलग अलग रुपीज़ वाला भी कर लेते हैं। ठीक, अभी दो आर्टिकल्स वाला ताकि कन्फ्यूजन आपको। पहला, दो वस्तु है, पहले का सीपी 8000, दूसरे का सीपी 12000। मान लेते हैं इसको, अभी इससे पहले कंडीशन दो क्या बताया था अपने को, इससे पहले जो कंडीशन बताया था उस पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था। अब कंडीशन क्या होगा, अपने को अलग अलग देगा तो किस तरीके से होगा। मान लेते हैं पहले का सीपी 8000 है, दूसरे का सीपी कितना, 12000 है। यहाँ पर मैं 25% का लॉस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। दो वस्तुओं को, एक दो वस्तुओं को मैंने 8000 और 12000 में खरीदा। पहले वस्तु को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले वस्तु को 25% लॉस पर बेचा, दूसरे वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, पहले का 8000, दूसरे का यहाँ पर क्या दिया अपने को, 12000। पहले को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 25% लॉस में बेच रहा हूँ, और दूसरे को यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ अपने को, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। तो इस कंडीशन पे टोटल पे यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस कितना होगा, लॉस परसेंट होगा, वो सारा का सारा निकालना है। सबसे पहला कंडीशन, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 12000 बराबर 20000। क्लियर हुआ? ठीक है, पहला एसपी यहां पर लॉस है, 8000 गुणित 100 में से 25 गया, 75/100 6000 पहला एसपी। दूसरा एसपी 12000 गुणित 120/100, क्योंकि 20% यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ? टोटल एसपी ये 20000 में, टोटल एसपी 6000 प्लस 14400, तो टोटल एसपी कितना बना मेरे पास, ये बना 20400। देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 20400 माइनस 20000 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 400। क्लियर हुआ? लॉस परसेंट बोलेगा तो 400/20000 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। तो पूरे लेन देन में सॉरी प्रॉफिट परसेंट, एसपी बड़ा है ना, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा दो, एक बार में दो, दो बार में, तो 2% यहाँ पर क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कौन सा था हमारा, ये हमारा आर्टिकल वाला था। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का? अभी जब अगला, कहीं पर भी प्रॉफिट परसेंट और सीपी इक्वल होगा या लॉस परसेंट और सीपी इक्वल होगा, ठीक है,
और यहाँ पर दोनों कंडीशन पे यहाँ पर क्या देगा अपने को, एसपी विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया रहेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हमेशा यहाँ पर क्या करना, उसको ऑप्शन से सॉल्व करना सबसे इजी पड़ेगा, ऑप्शन से सॉल्व करना सबसे इजी पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन अपन ये देख लेते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 39 अ पर्सन अर्न प्रॉफिट अ पर्सन अर्न प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 30, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 39 रुपए के बराबर हानि प्रतिशत होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य होगा 10 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी कितना होगा, 10% होगा। अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य 50 हुआ तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी कितना होगा अपने को, 50 होगा। ये कंडीशन हमारे पास होगा। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट वाला, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एग्जाम टाइम में इतने लंबे लंबे फॉर्मूले याद नहीं आते, तो इसलिए इसका सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्टली अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ परसेंट के बराबर होता है, मतलब क्रय मूल्य लाभ परसेंट यहाँ पर क्या दिया अपने को, बराबर दिया, याद रखना। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और लॉस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। कैसा होगा, अगर सीपी होगा एक्स तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, एक्स। अगर सीपी होगा एक्स तो लॉस परसेंट भी क्या होगा, एक्स होगा। तो इस कंडीशन पे जो एसपी निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स इंटू 100 प्लस एक्स बटे 100 निकलेगा। इस कंडीशन पे लॉस में यहां पर क्या होगा, एक्स इंटू 100 माइनस एक्स बटे 100 निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 40, पहला ऑप्शन क्या ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। यहाँ पर इसको 40 लेते भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा 40 गुणित 140 बट्टे 100 बराबर कितना हो रहा है, 56। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए 39। कितना चाहिए अपने को, 39। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। सिमिलरली क्या करेंगे अपन, सेकेंड ऑप्शन लेके चलेंगे। सेकेंड ऑप्शन पे क्या होगा, थर्ड ऑप्शन लेके चलते हैं। थर्ड अपने को दिया 30 इंटू कितना हो जाएगा, 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130 बटे 100, ये हो जाएगा 39। ये हमारा आंसर,
आ रहा है 13 बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी जो दिया अपने को 39 और यहाँ पर भी क्या दिया अपने को 39, दोनों बराबर दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा प्रॉफिट। जब भी हानि होगा, हानि में यहाँ पर क्या होगा दो कंडीशन मिलेगा, यह वाला कंडीशन मिलेगा। प्रॉफिट में बोलेगा तो एक ही कंडीशन मिलेगा, हानि में यहाँ पर क्या मिलेगा, हानि में दो कंडीशन मिलेगा। मान लो अगर सपोज पहला होता है 40 तो दूसरा क्या होगा 100 माइनस 40 मतलब 40 या 60। अगर मान लो पहला आता है 30 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 70। याद रखना प्रॉफिट पे क्या होगा हमको एक ही कंडीशन मिलेगा और लॉस में हमको यहाँ पर क्या होगा अपने को दो कंडीशन मिलेगा, ये हमको याद रखना इस टाइप वाला। क्लियर हो गया किस तरीके से हो रहा है, ये वाला कंडीशन एक हुआ, ठीक है। ये तो प्रॉफिट लॉस का अपने को मेजर शीट था, मेजर शीट के जो क्वेश्चंस थे आपके बहुत हैं, आपके जो शीट हैं उस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसमें जो डाउट होगा वो डाउट पूछिए तो आपको तुरंत का सॉल्यूशन लिख के आपको भेज देंगे ताकि आपका और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद वो होता है रॉन्ग मेजरमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट। इसका जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा रॉन्ग मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होता है उसको क्या करते हैं गलत माप मानते हैं, ठीक है। कैसे, एक दुकानदार क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेच रहा है और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। A shopkeeper is selling articles at its cost price and earns 25% profit. एंड अंश 25% यहाँ पर क्या बोल रहा है अपने को प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो इसका ए, एक किलोग्राम के प्लेस में कितना ग्राम दे रहा है, दूसरा इसी का बी, कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये वाला जब भी क्वेश्चन बोलेगा तौल वाला होगा तो हमेशा में क्या पूछेगा अपने को, या तो क्या होगा किलोग्राम में होगा या तो क्या होगा लीटर पे होगा। तो एक किलोग्राम में कितना होता है, एक किलोग्राम में इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है 1000 ग्राम होता है और एक लीटर में यहाँ पर क्या होगा 100 यहाँ पर क्या होगा मिली लीटर होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक किलोग्राम में यहाँ पर क्या होगा 1000 ग्राम होगा और यहाँ पर क्या होगा एक लीटर बोलेगा तो यहाँ पर क्या होगा 100 मिलीलीटर होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने में बेच रहा है और मान लेते हैं एक्स परसेंट का प्रॉफिट कर रहा है, कितना कर अपने को अंश एक्स परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहला कितने ग्राम का प्रॉफिट, तो ये होगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 1000,
ये हमारा होगा। सेकंड अगर पूछा है कि इसके पूछा है कि एक किलोग्राम की जगह कितना ग्राम देगा, एक किलोग्राम की जगह कितना देगा, तो यहाँ पर 1000 प्लस ये जो आंसर आया है इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसा, यहाँ पर बोल रहा है 25% का कितना हो रहा प्रॉफिट कमा रहा है, 25 का प्रॉफिट कमा रहा है, 25 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये हो जाएगा 25/100 प्लस 25 कितना होगा, 125 × 100 1000, एक बार में 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा 200 ग्राम। मतलब वो बंदा 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, जब वो 1 किलोग्राम बेच रहा है तो उसमें 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 1 किलोग्राम के प्लेस में कितना ग्राम देगा, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस क्या हो जाएगा 800, सॉरी माइनस 200, तो 1 किलोग्राम की जगह वो यहाँ पर कितना दे रहा हमको, 800 ग्राम दे रहा है। क्लियर हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला वाला रॉन्ग मेजरमेंट का। क्लियर हुआ, इसी का दूसरा, इसी का दूसरा क्या बोल रहा है, एक दुकानदार शॉपकीपर 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है, 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पर क्या कर रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम की जगह कितना तौल रहा है अपने को, 900 ग्राम तौल रहा है, मतलब वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बनाकर बेच रहा है, 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना के बेच रहा है, क्योंकि जब तौल रहा है वो बोल क्या रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन तौल कितना रहा, वो सिर्फ 900 ग्राम तौल रहा है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, 900 ग्राम की को अपने क्या कर, अपने को 1000 ग्राम बना के बेच रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 100 ग्राम, कैसे, 1000 में से 900 गया, प्रॉफिट कमा रहा है 100 ग्राम का, तो प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो ये हो जाएगा 100/900 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, 100/ क्या हो जाएगा 9, 11/1/9, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया, तो ये हमारे क्या था अपने को प्रॉफिट एंड लॉस के आपके मेजर मेजर शीट, मेजर मेजर क्वेश्चंस कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से पूछता है आपका, ठीक है, शीट बना लेना, शीट बनाने के बाद अगर मान लो कोई डाउट होगा तो तुरंत मैसेज कर देना, डाउट्स आपको वापस क्लियर कर दिए जाएंगे।